सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने चैनल के बारे में एंड मेरा जर्नी के बारे में कि दिल्ली टू टोरंटो कैसा रहा और मैंने कॉलेजेस कैसे चूज करे, सब कुछ कैसे किया। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक्स अलॉट एवरीबॉडी कि मेरे 5000 चैनल पे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। आई होप ऐसे ही सब कुछ चलता रहे और ऐसे ही आप सब मेरे को प्यार देते रहो, तो थैंक्स अलॉट फॉर दैट। अब आते हैं मेन जर्नी के ऊपर, दिल्ली टू टोरंटो कैसे हुआ, मैंने कैसे कॉलेजेस चूज करे। तो बेसिकली ये जो प्लान था वो एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का या एक साल का नहीं था। ये स्टार्ट हुआ था क्लास टेंथ में, जब मैं क्लास टेंथ में था, काफ़ी छोटा था। मैंने काउंसलर्स के पास जाना शुरू किया, मैंने नॉलेज लेना शुरू किया कि कैसे मेरे को कैनेडा के लिए अप्लाई करना है और कैसे एवरीथिंग गोज, कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें मेरे को जाना है। मैंने सेमिनार अटेंड करने शुरू करे, इवेंट्स होते हैं दिल्ली में, पंजाब में एंड पूरे इंडिया में इवेंट्स होते हैं जो कि काउंसलर्स करते हैं, और बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं वो जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। मैंने उन कॉलेजेस से जाके पर्सनली बात करी, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ से। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरे को कॉलेजेस में जाना है दैन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि कॉलेजेस आर मोर हैंड्स ऑन दैन यूनिवर्सिटीज़ आर मोर लाइक लिटरेचर एंड एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि कॉलेजेस में ही जाना है और फिर मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया, मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। फिर जैसे जैसे क्लास 12th आई, मैंने अप्लाई किया कॉलेजेस में। इन जनवरी मैंने अपने LOR इकट्ठा किया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, फिर प्रिडिक्टेड स्कोर कि मेरे CBSE बोर्ड्स में कितने मार्क्स आएंगे एंड अपना प्री बोर्ड में मेरे कितने मार्क्स आए हैं ऑलरेडी। उसके साथ मैंने अप्लाई किया कॉलेजेस में ऑन February 1st, जो कि लास्ट डेट थी, इक्वल कंसिडरेशन डेट थी। मैंने हर कॉलेज में अप्लाई किया, 3 कॉलेजेस में मैंने अप्लाई किया था जो कि मेन थे, शेरिटन एंड अदर्स। तीनों से मेरे को कंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, जिसमें कंडीशन थी कि 70 अबव आपके मार्क्स आने चाहिए CBSE बोर्ड में एंड IELTS में आपके 6 बैंड, नो बैंड लेस देन 5.5 आने चाहिए, जो कि मेरे बाद में आ गए थे। फिर मैंने अपने बोर्ड्स की तैयारी करी जो कि मार्च एंड अप्रैल में थे। मार्च एंड अप्रैल में मैंने अपने बोर्ड्स दिए एंड अप्रैल में मैंने अपना IELTS का एग्ज़ाम दिया। दोनों का रिजल्ट मई में आया, दोनों में मेरे अबव 85% थे, 85% इन CBSE बोर्ड्स एंड 6.5 बैंड से ज़्यादा आए थे मेरे IELTS के एग्ज़ाम में। ये सारा कुछ था। तो मैंने अप्लाई किया कॉलेजेस में कि मैंने सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं विद द हार्ड कॉपी ऑफ CBSE बोर्ड जो आपको देता है आपके रिजल्ट की, नॉट द ऑनलाइन प्रिंटेड फॉर्म, वो नहीं चलता, आपको खाली वो ही देना पड़ता है जो आपको CBSE बोर्ड से रिजल्ट आता है आपका। एंड वो आप जब सबमिट करते हो तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है। ऑलमोस्ट 20 डेज के अंदर मेरे को आ गया था, जो कि यूजुअली आपको मई जून में आ जाता है, मेरा जून में आया था। एंड फिर मैंने उसको कन्फर्म किया एक कॉलेज को, जिस कॉलेज का आपको पता है मैं उसमें हूँ, उसका मैंने कन्फर्म किया। और उसके बाद फिर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया, ऑन July 5th मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था एंड अपनी मैंने टिकट्स भी बुक कर ली थी फ़्लाइट की। एंड मेरा जो वीज़ा एक्सेप्ट हुआ था वो 24th of August को मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हुआ था एंड मैंने 27th को अपने पासपोर्ट में लगवा लिया था वीज़ा, जो कि VFS से लगता है, क्योंकि मैंने SDS से अप्लाई किया था तो मेरे को तब पासपोर्ट नहीं देना पड़ता, बाद में मैंने पासपोर्ट दिया। ये सारा कुछ जर्नी था। उसके बाद मेरा एक्सेप्ट हो गया, मेरे वीज़ा लग गया एंड उसके बाद मेरी मंडे मॉर्निंग को मैं VFS से अपना पासपोर्ट लेके आया एंड मेरी मंडे रात को फ़्लाइट थी, जो जिसने मेरे को ट्यूसडे रात को यहाँ पर उतारा एंड उसके बाद मेरी वेडनेसडे मॉर्निंग को ओरिएंटेशन डे था। एंड ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि कैसे कंडीशनल ऑफर लेटर मिलता है हमें बताओ। तो कंडीशनल ऑफर लेटर बेसिकली आपको ऐसे मिलता है कि आप अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड प्रिडिक्टेड स्कोर फ्रॉम योर कॉलेज अटेस्टेड एंड स्टाम्प्ड आप डालते हो किसी भी कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को एंड वो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर दे देते हैं जिन कंडीशंस को आपको पूरा करना होता है टू मेक इन दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और जब आप उस कंडीशंस को पूरे कर लेते हो तो आपको एडमिशन मिल जाता है एंड यही सब कुछ था। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे लव्ड। बाय बाय।